हनुमान जयंती के दिन मुश्किल में फंसी अपनी टीम के लिए संजीवनी लेकर पहुंचे लॉर्ड शार्दुल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट आईपीएल पर। मैं हूं मनोज भारद्वाज। 4 साल बाद अपने होम ग्राउंड पर पहुंची कोलकाता की टीम ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक तरफा मुकाबले में RCB को 81 रनों से करारी शिकस्त दी। तो सारकर ईडन गार्डन्स के मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इस बीच अफगानिस्तान के धाकड़ ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को संभाला, लेकिन बावजूद इसके KKR की आधी टीम 100 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गई। जिसके बाद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने महज 29 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 68 रनों की आतिशी पारी खेलकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान रिंकू सिंह ने भी 46 रनों की पारी खेलकर उनका अच्छा साथ दिया। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर को विराट और फाफ की ओपनिंग जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई और महज 4 ओवरों में ही 42 रन जोड़ डाले, लेकिन इसके बाद मिस्ट्री स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने एक एक कर RCB के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर विपक्षी टीम की कमरी तोड़ दी। जिसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कोलकाता की टीम में शामिल हुए युवा लेग स्पिनर श्रेयस शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 3 बल्लेबाजों को आउट कर RCB को मुकाबले से बहुत दूर कर दिया। अंत में वरुण चक्रवर्ती ने अपना 4th विकेट चटका कर RCB की पारी को 123 रनों पर समेट दिया।